एडिशनल एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 8.11। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक पार्ट दे रखा है, इज इक्वल्स टू 3.1 न्यूटन पर कूलम कॉस 1.8 रेडियन पर मीटर, वाई एन प्लस 5.4 इंटू 10^6 रेडियन पर सेकेंड, एन टी दिस इज आई कैप। तो आपका वेव कौन सी एक्सिस में जा रही है, देखिए यहाँ पे वाई आपको दे रखा है, तो वाई एक्सिस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग कर रही है, तो आपको कौन कौन सी फाउंड कंट्री फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो आपकी वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कौन सी एक्सिस में दे रखी है, आई कैप की डायरेक्शन में। ओके, देन आप व्हाट इज द वेव लेंथ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पार्ट ऑफ द वेव। लास्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट भी आपको डिफाइन करना है। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कौन सी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन होगी, तो वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ई क्रॉस बी, तो देखिए ई के लिए आपको दे रखा है आई कैप, और बी के लिए क्या होगा, तो देखिए इक्वल्स टू क्या मिलती है, इक्वल्स टू आपको मिलती है माइनस जे कैप। क्यों माइनस जे कैप, क्योंकि ये आई कैप है, तो यहाँ पे होगा के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आएगी माइनस जे कैप। तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, वो कौन सी डायरेक्शन में फाइंड आउट होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेशन होती है। देन अपन नेक्स्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ, आपको एक वेवलेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे वेव प्रोपोगेशन आपको दे रखा है, तो के इज इक्वल टू 2π/λ, इसमें से आप लेमड़ा को सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो 2π/k, तो 2 × 3.14, और के की वैल्यू होगी 1.8, सो देट उसका आंसर आपको मिलेगा 3.5 मीटर। देन अपन नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π f, में से आप f को सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो ओमेगा अपॉन 2π, और ओमेगा की वैल्यू है 5.4 × 10^6/2π, ठीक है, ओके, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 0.86 × 10^6 हर्ट्ज़, तो 10^6 को हम बोलते हैं मेगा हर्ट्ज़, तो 0.86 मेगा हर्ट्ज़, ये आ गई उसकी फ्रीक्वेंसी। देन आफ्टर एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तो आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू B0 × C, तो B0 इज इक्वल टू E0/C, और E0 की वैल्यू दे रखी है 3.1 × 3 × 10^8, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 1.03 × 10^-8 टेस्ला। और आपको नैनो टेस्ला में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर मिलेगा 10.3 × 10^-9 टेस्ला इज इक्वल टू 10.3 नैनो टेस्ला। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसका एक्सप्रेशन आपको निकालनी है, तो B इज इक्वल टू B0 cos के एक्स प्लस ओमेगा टी आएगी। ओके, तो B0 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 10.3 × cos, के की वैल्यू यहाँ पे होगी 1.8 रेडियन पर सेकेंड, 1.8 रेडियन पर सेकेंड x, एंड देन आप प्लस ओमेगा की वैल्यू है 5.4 × 10^6 रेडियन पर सेकेंड × t, और उसकी डायरेक्शन होगी k कैप की डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नैनो टेस्ला। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ b कौन सी आएगी, डायरेक्शन ऑफ b आएगी k कैप की डायरेक्शन आएगी, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन होगी के कैप, तो आप यहाँ पे के कैप भी लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर इज अ के कैप। ओके, ये आ गए उसका एक्सप्रेशन। स्टूल एग्जाम्पल नंबर 8.12। अबाउट दी 5% ऑफ दी पावर ऑफ 100 वॉट लाइट बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू दी विजिबल रेडिएशन, व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल रेडिएशन एट द डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फ्रॉम दी बल्ब एंड द डिस्टेंस ऑफ दी 10 मीटर, एज्यूम दैट दी रेडिएशन इज द इमिटेड आइसोट्रॉपिकली एंड निग्लेक्ट रिफ्लेक्शन। ओके, तो इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आएगा पावर पर यूनिट एरिया, इट इज नोन एज द इंटेंसिटी।
बट यहाँ पे पावर ऑफ बल्ब कितना है 100% है, इसमें से ओनली फॉर 5% आपको कंसिडर करना है। पावर पी इज इक्वल टू 100 वाट है, इसमें से ओनली फॉर 5%, सो दैट पावर आप कंसिडर कर सकते हो 5 वाट। ठीक है, ओके। देना पे एरिया, एरिया क्या आएगा कि स्पीयर जैसा वो बनाएगा, तो स्पीयर का एरिया क्या होती है, 4π r² होती है ना। तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 5/4π r² और r इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, r इज इक्वल टू आप पहले फर्स्ट वाले केस में आप लिख सकते हो 1 मीटर। ओके, तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 5/4 × 3.14 × 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी आपको मिलेगी 0.4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन आपने दूसरे की आपको फाइंड आउट कर लिए, ये फर्स्ट पार्ट की रेडियस के लिए आपने 1 मीटर फाइंड आउट कर लिया, देन आपने दूसरे पार्ट के लिए इंटेंसिटी आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया, ओके, बट 4π और उसकी रेडियस आपको कितनी लेनी है, 10 मीटर आपको लेनी है, तो आर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, तो 10 का स्क्वेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए 5/4 × 3.14 और 100, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 0.004 वाट पर मीटर स्क्वेयर। तो ये आ गई उसकी इंटेंसिटी। टेक्सटुअल एग्जाम्पल नंबर 8.13। यूज द फॉर्मूला λ into T is equal to 0.29 cm into Kelvin to obtain the characteristic temperature range for the different part of the electromagnetic spectrum, what to do, the number that you obtain tell you, okay। तो आपको सभी रेंज के लिए क्या निकालनी है, सभी रेंज के लिए आपको टेम्परेचर निकालनी है। ठीक है, ओके, तो कौन से फॉर्मूला का यूज़ करना है, ए वाले फॉर्मूला का यूज़ करना है, बट इसको मैं ऐसा ही नहीं, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सेंटीमीटर में आएगा 10⁻², तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10⁻²⁴ केल्विन। तो आपको डिफाइन करनी है कि भाई टी निकालनी है, तो टी निकालने के लिए 29 × 10⁻⁴ λm आएगा। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सभी के स्पेक्ट्रम मैं यहाँ पे मैं टेबल ही बना देता हूँ। देखिए ये टाइप, तो फर्स्ट है रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की जो रेंज होती है वेवलेंथ की लैम्ब्डा की, वो जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है ग्रेटर देन 0.1। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0.1 लिख देना है, तो 0.1 आप लिख दीजिए, तो 0.1 का मीनिंग होता है 10⁻², तो 10⁻², ऊपर जाएगा तो +1, तो 10⁻³ हो जाएगा, तो उसकी टेम्परेचर की रेंज लेस देन 29 × 10⁻³ केल्विन आएगी। देन आप है माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव की रेंज होती है 0.1 मीटर टू 1 mm। ठीक है, 0.1 मीटर, आपको 0.1 यहाँ पे कंसीडर करनी है, तो 10⁻³ ए वाला क्वेश्चन, और ध्यान आप मिस के 1 mm, तो 1 mm के लिए 10⁻³ आएगी, तो 10⁻³ यहाँ पे 10⁻⁴ है, तो 2.9 हो जाएगी टेम्परेचर उसकी, तो 29 × 10⁻³ केल्विन टू 2.9 केल्विन। ठीक है, ध्यान आप नेक्स्ट इंफ्रारेड की आएगी 1 mm to 700 नैनोमीटर, तो 100 का तो 2.9, तो 2.9 केल्विन टू 700, तो 700 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 700 में पुट करूँगा, तो 29 × 10⁻⁴ 700 × 10⁻⁹, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 4.1 × 10⁻³, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.1 × 10⁻³ केल्विन है। ठीक है, देन आप विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट का होता है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, तो 700 का आंसर हमारे पास है 4.1 × 10⁻³ केल्विन टू, हमको लिख देना कि भाई 400 का हमको डिफाइन करना है ना, तो 29 × 10⁻⁴ / 400 × 10⁻⁹, तो उसका आंसर हमको मिलेगा 7.25 × 10⁻³ केल्विन। ठीक है, देन आप अल्ट्रावायोलेट, तो अल्ट्रावायोलेट के लिए
400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, तो 400 का तो आंसर आ गया 7.25 इंटू 10^3 केल्विन टू 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स के 10^-9 ही होगा, 10^-, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10^5, तो 29 इंटू 10^5 केल्विन। ओके देन आप एक्सरे, तो एक्सरे की होगी 1 नैनोमीटर टू 10^-3 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर के लिए तो ये आएगी 29 इंटू 10^5 केल्विन टू 10^-3, तो 5 का प्लस 3 कर दीजिए तो 10, तो 29 10^8 केल्विन होगी तो इसकी टेम्परेचर। देन आप गामा रे, तो गामा रे की होगी भाई लेस देन 10^-3 नैनोमीटर, तो उसका मीन हुआ कि भाई ग्रेटर देन 29 × 10^8 केल्विन। जैसे जिसकी भी एनर्जी मैक्सिमम उसकी टेम्परेचर की भी वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखिए रेडियो वेव की कम है उसका टेम्परेचर भी कम है, माइक्रोवेव से उसके ज़्यादा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा, इंफ्रारेड का उसका भी ज़्यादा तो ज़्यादा, विजिबल लाइट का भी ज़्यादा तो ज़्यादा, तेना पर अल्ट्रावायलेट का भी मैक्सिमम, तेना पर एक्सरे का भी मैक्सिमम, तेना पर गामा रे का सबसे मैक्सिमम, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा। ख्याल आया? ओके। टेक्स्टुअल एग्जांपल नंबर 8.14। गिव बिलो द आर सम फेमस नंबर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन अ फिजिक्स। स्टेट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच इट बिलोंग्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ इज इमिटेड बाय द एटॉमिक हाइड्रोजन इन द इंटरस्पेलर स्पेस। ओके, 21 सेंटीमीटर आपको वेवलेंथ दे रखी है, मैं 1 by 1 ही में रीड करूंगा। तो आपको फर्स्ट दे रखा है कि भाई वेवलेंथ लैम्ब्रा इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो 0.21 मीटर है। तो ये जो आपको लैम्ब्रा दे रखी है वो लैम्ब्रा दे रखी है 0.1 मीटर से ज़्यादा, तो वो आएगी रेडियो वेव में, उसका आंसर आएगा रेडियो वेव। देना पर सेकेंड में आपको दिया रखा है कि भाई 1057 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अराइज फ्रॉम दी टू क्लोज एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन नो एज द लैम्ब शिफ्ट। ओके, तो इसमें आपको वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, तो मैं वेवलेंथ निकालना चाहता हूँ, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ इज इक्वल टू 1057 मेगाहर्ट्ज़, तो उसका मीनिंग होगा 1057 इंटू 10^6 हर्ट्ज़। ओके, उसकी वेवलेंथ निकालनी, तो सी इज इक्वल टू लैम्ब्रा इंटू एफ, सो दैट लैम्ब्रा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ, सो दैट 3 × 10^8 अपॉन 1057 × 10^6। तो उसकी जो आंसर आएगी वो आंसर आती है 0.28 मीटर, सो दैट दिस लैम्ब्रा इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर, दिस इज ऑल्सो रेडियो वेव। नेक्स्ट थर्ड, 2.7 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर आपको दे रखा है एसोसिएट विद द आइसोट्रॉपिक रेडिएशन फिलिंग्स, ऑल स्पेस इज अ थ्रॉट टू बी द रेलिक ऑफ द बिग बैंग ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओके, टेम्परेचर आपको दे रखा है, टेम्परेचर का रिलेशन अभी आपने देखा कि भाई लैम्ब्रा एम इंटू टी इज इक्वल टू 29 × 10^-4 मीटर इंटू केल्विन। ओके, तो इसमें से आपको लैम्ब्रा निकालनी है, तो टी इज इक्वल टू आपको दे रखा है, तो लैम्ब्रा को सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो 29 × 10^-4 अपॉन टी। तो आपको टेम्परेचर दे रखा है टी इज इक्वल टू 2.7, तो 2.7 से आपको डिवाइड कर देनी है, तो 29 × 10^-4 2.7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 11 × 10^-4 मीटर, सो दैट 1.1 mm। ठीक है, तो 1.1 mm का क्या मीनिंग हुआ, 1.1 मीटर टू 1 mm तक किस में आती है, माइक्रोवेव में आती है, तो उसका आंसर आया माइक्रोवेव। ये है उसका आंसर, ये है उसका आंसर, ये है उसका आंसर। ठीक है, देना पर फोर देखिए, जब आपको एक रेंज दे रखी है वेवलेंथ की, वेवलेंथ की आपको रेंज दे रखी है 5890 एंगस्ट्रॉन्ग टू 5896 एंगस्ट्रॉन्ग, इस डबल लाइन ऑफ सोडियम। ओके, तो उसकी जो रेंज है वो रेंज किस में आती है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7000 एंगस्ट्रॉन्ग, दिस रेंज इन 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7000 एंगस्ट्रॉन्ग, सो दैट विजिबल लाइट। ठीक है, यह है विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। देन आप लास्ट देखिए,
14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एनर्जी आपको दे रखी है, इसमें से आपको एक वेवलेंथ निकालनी है। तो एनर्जी का इक्वेशन इज इक्वल टू एच एफ होती है, ओके। और एनर्जी इज इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्ब्डा, तो इसमें से आप लैम्ब्डा को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो एच सी अपॉन एनर्जी, एच की वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10^-34, सी की वैल्यू आएगी 3 × 10^8 अपॉन, आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी आपको दे रखी है 14.4 किलो, किलो का मीनिंग होता है 10^3 और इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है 1.6 × 10^-19। तो यहाँ पे आपकी लैम्ब्डा की वैल्यू आएगी 8.6 × 10^-11 मीटर, सो दैट 0.086 नैनोमीटर। तो यहाँ पे मिस के उसका स्पेक्ट्रम आएगा एक्सरे, एक्सरे में होती है 10^-3 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, ठीक है, ओके। टेक्स्ट रूल एग्जांपल नंबर 8.15, इसमें आपको पूरे का पूरा थियरी पोर्शन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट आपको दे रखा है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स, व्हाई? कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस में रेडियो ब्रॉडकास्ट में आप शॉर्ट वेव बैंड्स का क्यों यूज कर रहे हो? इस रेडियो वेव ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ आर रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर, वो रिफ्लेक्टेड होकर वापस आ सकती है, इसलिए दे आर यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट। सेकेंड देखिए, इट इज द नेसेसरी टू यूज द सेटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन, व्हाई? As a radio wave used to TV transmission are to short wavelength, there is not properly reflected by ionosphere. ठीक है, thus the satellite are used for their effective reflection. Effective reflection के लिए आपको उसके very long distance पर आपको लिखना है। Then आप प्रोसीड देखिए, ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ड अप ऑन द ग्राउंड, बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज अ पॉसिबल ओनली फ्रॉम सेटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, व्हाई? तो उसका रीजन आप देखिए कि भाई हैज अ विजिबल एंड रेडियो वेव कैन नॉट बी इजिली एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर को इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इट कैन इजिली तो पेनिट्रेट थ्रू द एटमॉस्फेयर। टेलीस्कोप इन्वॉल्विंग द विजिबल लाइट इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड दोज इन्वॉल्विंग द रेडियो वेव द रेडियो टेलीस्कोप तो आर यूज ऑन द ग्राउंड, बट एक्सरे हैविंग द स्मॉलर वेवलेंथ, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है उससे भी स्मॉलर होती है, इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड हैज कैन नॉट बी पेनिट्रेट थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो वो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, बट आपका जो ऑप्टिकल और जो रेडियो टेलीस्कोप है वो कर पाएगी। तो ओके, तो सो दैट एक्सरे इज इंस्ट्रूमेंट इज नॉट पॉसिबल ऑन ग्राउंड बट इज अ पॉसिबल ओनली फ्रॉम द सैटेलाइट। देन आप नेक्स्ट देखिए, the smaller ozone layer on the top of the stratosphere is a secure for human surveyor, why? तो जो आपकी जो सोलर रेडिएशन होती है इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, वो एनर्जी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अल्ट्रावायलेट रेज अलॉन्ग विद देम इज अ हार्मफुल ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ, ओजोन लेयर ऑन द स्ट्रेटोस्फीयर इज एब्जॉर्ब दिस अल्ट्रावायलेट रे डज नॉट अलाउ देम ऑफ द अर्थ, ठीक है। देन आप नेक्स्ट देखिए, इफ द अर्थ डी नॉट हैव द एटमोसफियर वुड इज द एवरेज सर्फेस द टेम्परेचर बी हायर और द लोअर देन इट इज नाउ, अगर आपका एटमोसफियर नहीं होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। द सोलर रेडिएशन विच आर द कंटिन्यूस हैव द ऑल द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटमोसफियर ऑफ द अर्थ इज अलाउज ओनली द विजिबल पोर्शंस ऑफ दिस सोलर रेडिएशन टू द पास द अर्थ, विजिबल रेडिएशन हीट द अर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम, this it is the radiation in the form of the earth surface in the form of the infrared ray. Infrared wave, it is a not outside to the atmosphere, so that infrared is healthy some heat, okay, so that atmosphere is allowed as infrared are the heat ray, there is the increase the surface the temperature of earth, this effect is a term is the greenhouse effect. The greenhouse effect kaun produce karti hai, infrared produce karti hai, ओके। अगर जो एटमॉस्फेयर नहीं है तो इंफ्रारे एटमॉस्फेयर से मिस के बाहर चली जाती है, तो आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लोअर हो जाएगा। सम साइंटिस्ट हैव द प्रेडिक्ट दैट द ग्लोबल न्यूक्लियर वार ऑन द अर्थ विल बी द फॉलोड बाय सर्वल न्यूक्लियर विंटर विद डिवेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वॉट मेक बी द बेसिक ऑफ द प्रेडिक्शन। The global nuclear war is made to produce the clouds which will cover the substantial part of the sky, thus prohibiting the solar radiation to reach the earth. Also, it can damage the part of the earth's atmosphere due to which the infrared
रेज इज द रिलीज फ्रॉम द अर्थ टू सरफेस टू कैचिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट मे एस्केप दस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज द सरफेस वुड गो डाउन कंसिडरली द ड्यूरिंग द राइज इज सर्वाइव द लो टेम्परेचर रिफर द न्यूक्लियर विंटर तो न्यूक्लियर विंटर से उसका जो टेम्परेचर होगा वो डाउन हो जाएगा ठीक है।